हेलो जीनियसेस एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ जीनियस मेकर। और इस वीडियो में मैंने खुद आपके लिए दो सेक्शंस कोड करे हैं जो मैं आपको देने वाला हूं, एंड दैट टू एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एज ऑलवेज आई हैव नेवर आस्क्ड फॉर एनीथिंग इन रिटर्न। जस्ट जो भी चीजें मैं क्रिएट करता हूँ, आई जस्ट वॉन्टेड योर फीडबैक कि मेरी मेहनत क्या आप लोगों के कुछ भी काम आ रही है। तो अभी ये यहाँ पे जो आप सेक्शन देख रहे हैं ना, इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये शॉप पर कलेक्शंस यानी कलेक्शंस की हमने लिस्ट बनाई है, एंड दैट इज स्लाइडिंग। और यहाँ पे आप अपने कलेक्शंस ऐड कर सकते हैं, इमेजेस ऐड कर सकते हैं, और ये 100% कस्टमाइजेबल रहेगा। आपको कोड के पार्ट पे कुछ नहीं करना पड़ेगा, सारी चीजें मैंने आपको करके दी हुई हैं। जैसे कि आपको प्रीमियम थीम्स में मिलते हैं, सेम उसी तरीके से आप यहाँ पे एडिटिंग कर पाएंगे। शॉपर कलेक्शंस की जगह आप कुछ लिखना चाहते हैं, यहाँ अपने कलेक्शंस का नेम आप लिख पाएंगे, कलेक्शंस को प्रोडक्ट्स को ऐड यहाँ पे कर पाएंगे इजिली। और ये पूरा सेक्शन आप अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर पाएंगे। यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर आपको चेंज करना है, सारी चीजें आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। देन एज अ बोनस फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ जीनियस मेकर फैमिली, ये जो ट्रस्ट बैजेस का सेक्शन आप नीचे देख रहे हैं, जहाँ पे इमेजेस लेफ्ट में है और उसके बाद हेडिंग और टेक्स्ट राइट में है, दिस काइंड ऑफ ट्रस्ट बैजेस सेक्शंस आर ओनली इंक्लूडेड इन पेड एंड प्रीमियम थीम्स, या फिर इनके सेक्शंस लोग सेल कर रहे होते हैं। बट टुडे ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, एंड आई हैव क्रिएटेड दिस फ्रॉम स्क्रैच, क्योंकि ये सेक्शन मुझे काफी दिनों से बनाना था। आज मुझे टाइम था तो मैंने पूरा दिन ये सेक्शन बनाने में लगाया है। तो दोनों सेक्शंस का कोड मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, और इनको अपने स्टोर पे कैसे आपको इम्प्लीमेंट करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप आपको जस्ट फॉलो करना है, और आप इजिली ये दोनों सेक्शंस अपने स्टोर पे ऐड कर पाएंगे, और इनको पूरे तरीके से आप एडिट करना भी सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम आ गए हैं अपने शॉपिफाई के बैकएंड पे, और यहाँ से आपको पता है क्या करना है। यहाँ पे आपको ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करना है, कस्टमाइज के बगल में जो 3 डॉट्स हैं यहाँ पे क्लिक करना है, आपको एडिट कोड करना है। बट एडिट कोड से पहले, अगर आप लोग कोड से फैमिलियर नहीं है, ये सेक्शन ऐड करें, चाहे कोई भी कोड में छोटा या बड़ा चेंजेस आप करते हैं, तो यू शुड हैव दिस हैबिट ऑफ डुप्लीकेटिंग योर थीम। और डुप्लीकेट करना बिल्कुल सिंपल है, सिंगल क्लिक में हो जाता है। जस्ट आपको डुप्लीकेट पे क्लिक करना है, और ये देख लीजिए आपके सामने आपकी थीम का एक डुप्लीकेट कॉपी बना रहा है। जैसे कि आप अपने कोई भी डॉक फाइल में कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते हैं, तो जो टेक्स्ट या जो भी आपने वहां पे एलिमेंट कॉपी करा होता है, सेम उसी को पेस्ट कर देते हैं। वही यहाँ होता है कि आपका पूरा का पूरा थीम जैसी अब है, ये डुप्लीकेट करके यहाँ पे रख दी है। अब आप चाहें तो इस डुप्लीकेटेड कॉपी पे काम कर सकते हैं, और जब आप टेस्ट कर लेंगे कि हाँ आपकी सारी चीजें सही से काम कर रही हैं, तब आप इसको पब्लिश कर सकते हैं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, तो एटलीस्ट आपका जो लाइव थीम है ना, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो प्रॉपरली काम करता रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 3 डॉट्स पे क्लिक करूंगा, मैं लाइव थीम पे ही काम कर रहा हूँ, आप लोगों को डुप्लीकेट पे काम करना है अगर आप लोग कोड से फैमिलियर नहीं है तो। ठीक है, एडिट कोड पे हम लोग क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमें सेक्शंस क्रिएट करने हैं। तो ये सेक्शन अभी मैंने क्रिएट करा हुआ है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ट्रस्ट बैजेस डॉट लिक्विड के नाम से इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और हम लोग इसको अभी दोबारा से ऐड करने वाले हैं, और वो कलेक्शन वाला सेक्शन भी हम लोग दोबारा से ऐड करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, हमें कोड लेना पड़ेगा। तो ये कोड मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, इस कोड को आप पढ़ लीजिए, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस मैंने दे रखी हैं। सिंपली आपको एडिट कोड पे जाना है, नया सेक्शन ऐड करना है, और उसको नेम आपको दे देना है sliding-collection-gm, और इस कोड को आपको पेस्ट करना है। ठीक है, और इसके नीचे आप देख लीजिए कि आपको ये बैकग्राउंड ऐड करना है, अगर आपको सेम वही इफेक्ट चाहिए जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो पहले हम लोग कोड ले लेते हैं यहाँ से, इसको हम लोग कॉपी करते हैं, अपने स्टोर पे चलेंगे, और आपको पता है यहाँ क्या करना है, आप जाएंगे सेक्शंस पे, एड अ न्यू सेक्शन करेंगे, और यहाँ पे हम लोग इसको नेम दे देते हैं sliding-collection-gm, और 2, क्योंकि मैं 1 ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ, आपके केस में आपको 2 नहीं ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे जो भी कोड है आप इसको डिलीट कर देंगे, और जो सेक्शन का कोड आप वहां से कॉपी करके लाएं, जस्ट आपको वो यहाँ पे पेस्ट करना है। तो ये आपने पहला सेक्शन ऐड कर दिया स्लाइडिंग कलेक्शंस का। अब यहाँ पे हम लोग दूसरा सेक्शन भी ऐड कर लेते हैं, उसके बाद उसको हम लोग कैसे एडिट करना है, कैसे कस्टमाइज करना है, वो पूरा आप सीखेंगे। ठीक है, देन सेकंड, ये ट्रस्ट बैजेस का है, और मुझे नेम्स को सिंपल रखना पसंद है, तो ट्रस्ट बैज विद इमेज ऑन लेफ्ट एंड टेक्स्ट ऑन राइट,
यही है वो सेक्शन। तो यहाँ पे भी आपको इंस्ट्रक्शंस मैंने दी हैं कि आपको एक सेक्शन बनाना है, उसको नेम आप दे दीजिए ट्रस्ट बैज डैश GM और सेव कर लीजिए। और उसके बाद जो कोड मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, ये कोड आपको जस्ट कॉपी करना है और वहां पेस्ट करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग सेक्शंस पे ही हैं, ऐड ए न्यू सेक्शन करेंगे और इसको हम लोग नेम दे देंगे ट्रस्ट बैज डैश GM, डन पे हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी कोड हमें मिला है उसको हम लोग डिलीट कर देंगे और हमारा कोड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये दोनों सेक्शन हमने ऐड कर दिए हैं। अभी हम लोग यहाँ से एग्जिट करते हैं, यहाँ का कोड का काम हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी हम लोग कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये सेक्शन आप जहां भी चाहें वहां ऐड कर सकते हैं। देख लीजिए, जैसे ये सेक्शन है तो हम इसी को रेप्लिकेट करना चाहेंगे अभी। तो यहाँ पे हम लोग एक सेक्शन ऐड करते हैं, ये लोगो उसके नीचे ऐड कर देते हैं, ठीक है। ऐड सेक्शन करेंगे और यहाँ पे हम लोग सर्च कर लेंगे या फिर यहाँ पे शो मोर हम लोग करते हैं तो स्लाइडिंग कलेक्शन GM के नाम से ये आ जाएगा और यहाँ पे इस तरह से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अपने कलेक्शन ऐड करते हैं। तो आपको 6 से ज्यादा कलेक्शन एटलीस्ट ऐड करने पड़ेंगे, तो आप 7, 8, 9 जितने भी ऐड कर सकते हैं, बट ट्राई टू एड मोर देन 6 कलेक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मेरे पास कलेक्शंस हमने बनाए नहीं, तो आप प्रोडक्ट्स को भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे इमेजेस डाल सकते हैं अपने कलेक्शंस के, ठीक है, एड इमेज में। अभी मैं जो मेरे पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं इनमें से सर्च कर रहा हूँ, बट आप यहाँ पे इमेजेस एड कर सकते हैं, ठीक है। पहले आप कलेक्शंस की इमेजेस बना लीजिए और उनको यहाँ पे आप इजिली फिर एड कर सकते हैं। ये हम लोग दूसरा कलेक्शन यहाँ पे एड कर देते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए ना, यहाँ पे इमेज का ऑप्शन मिल रहा है, फिर यहाँ पे नेम आप कुछ भी जो आपको नेम रखना है वो आप नेम रख सकते हैं। जैसे इसको हम लोग नेम दे सकते हैं वॉचेस, और फिर हम लोग कलेक्शंस में जाके और इसको वॉचेस वाले कलेक्शन से लिंक कर सकते हैं कि जब भी कोई इस पे क्लिक करे तो वॉचेस वाले कलेक्शन पे जाए, ठीक है। सेलेक्ट इमेज हम लोग करेंगे और यहाँ से हम लोग और इमेजेस ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ से और इमेजेस पिक करते हैं, तो यहाँ से हम लोग ये रिंग की इमेज ले लेते हैं और इसको आप क्या नेम दे सकते हैं यहाँ से ज्वेलरी, और इसको कौन से कलेक्शन से आप ऐड करना चाहेंगे, ज्वेलरी वाले कलेक्शन से, ठीक है। तो इसी तरह से आप हर कलेक्शन का इमेज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, उनको नेम दे सकते हैं। और अभी हम लोग यहाँ पे सर्च कर लेते हैं बैग, क्योंकि हमारे पास बैग्स का भी कलेक्शन है, और यहाँ से हम लोग इमेज ऐड कर देंगे, कोई भी इमेज जो बढ़िया लगेगी। तो अभी हम लोग ये इमेज ले लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पे ये मैंने 4 कलेक्शन ऐड कर दिए हैं। अभी मैं इनको ही डुप्लीकेट कर रहा हूँ, बट आपको मैंने बता दिया है मोर देन 6 कलेक्शंस आपको ऐड करने हैं, ठीक है। तो अभी मैंने इसको डुप्लीकेट कर लिया, देन मैं जो सेकंड कलेक्शन है उसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, एंड देन थर्ड। तो अभी मेरे पास टोटल में 7 कलेक्शंस हो गए हैं। इसको मैं ड्रैग करके नीचे ले आता हूँ, आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके इनको पोजीशन कर सकते हैं, आपको जहां भी इनको पोजीशन करना है, ठीक है। और इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। तो अभी देखते हैं कि हमारे कलेक्शंस कैसे दिखने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपके कलेक्शंस आ गए, देख लीजिए, और अभी ये स्लाइड कर रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे आप ऊपर इमेज देखेंगे, जैसे यहाँ पे इमेज हमने डाली हुई है, तो आप यहाँ पे जाएंगे स्लाइडिंग कलेक्शन पे और आपको टाइटल इमेज का ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ से इमेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये इमेज है जो मैंने यहाँ पे ऐड करी हुई है और इसको हम लोग सेव करेंगे। जब भी कोई चेंजेस आप करेंगे आपको सेव करना पड़ेगा, सेव करने के बाद ही वो प्रॉपरली यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। ये देख लीजिए, सेम ऐसे ही आ गया। यहाँ पे आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको ऐड करना है ना, लाइक शॉप और लेटेस्ट कलेक्शन और शॉप और हॉटेस्ट कलेक्शन और हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स और कलेक्शन, जो भी आप यहाँ पे ऐड करना चाहें, और सेलिंग कलेक्शंस, या फिर हम यहाँ पे एक फायर इमोजी लगा सकते हैं, फायर, दिस इज द फायर इमोजी, जो भी जैसा भी आपको करना है, बट आप इमोजीज तो रहने दीजिए, उसको सिंपल ही रहने दीजिए, और हम लोग सेव करते हैं। ये एक ऑप्शन हो गया। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे टाइटल कलर का ऑप्शन आ रहा है, तो इसको आप कलर चेंज कर सकते हैं। टाइटल का जो भी आप कलर करना चाहें वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। ग्रेडियंट कलर आप लेना चाहें वो भी सकते हैं। फिर यहाँ पे सेक्शन का बैकग्राउंड कलर, ठीक है, जो पूरे सेक्शन का बैकग्राउंड कलर, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सेम अगर वही इफेक्ट आपको चाहिए तो आपको कौन सा कलर लेना है, यहाँ पे आ जाएंगे और आपको कलर ये लेना है, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये लीनियर ग्रेडियंट है, आपको इजिली नेट पर सर्च करेंगे तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। हम लोग यहाँ से ग्रेडियंट की जगह CSS सर्च करेंगे और यहाँ पे कोड में हम लोग ये पेस्ट कर देंगे, ठीक है, और इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि हमारा कलर बिल्कुल एज इट इज सेम हो जाएगा, जैसे हमारे ऊपर वाले सेक्शन का था, ये देख लीजिए, ठीक है, ये सेम यही कलर आ गया, आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद आप इमेज विड्थ डेस्कटॉप, ठीक है, कौन सी इमेज की बात कर रहे हैं, ठीक है,
अभी हम लोग देखते हैं इसको 50 पिक्सल कर देते हैं। तो यहाँ से जो टाइटल वाली इमेज है इसका आप साइज कम और ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि आप मोबाइल पे भी इसका साइज अलग रख सकते हैं। लाइक अभी हम लोग देखेंगे तो मोबाइल पे इसका साइज ये है, अभी मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, 600 पिक्सल कर दूंगा, तो आप देख लीजिए इतना बड़ा साइज हो गया है। तो आप यहाँ से अभी इसको 300 कर सकते हैं, 270 कर सकते हैं, जैसा भी आपको रखना है। कंप्लीट मैंने आपको कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आप सारा कस्टमाइजेशन यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हेडिंग का फॉन्ट आपको चेंज करना है, तो यहाँ से आप कोई भी फॉन्ट पिक कर सकते हैं, ठीक है। जो भी फॉन्ट आपको यहाँ पे रखना है वो फॉन्ट आप यहाँ से इजिली पिक कर सकते हैं, यहाँ पे अपडेट हो जाएगा आपका, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे ये अपडेट हो जाएगा, जो फॉन्ट आपको रखना है यहाँ से आप रख सकते हैं, ये देख लीजिए, ठीक है। प्लस में यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलते हैं, रेगुलर चाहिए, इटैलिक चाहिए, जो भी आपको चाहिए तो उस तरह से आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। बोल्ड के, ब्लैक के सारे ऑप्शंस मिलते हैं, तो यहाँ पे आप ऑप्शंस भी देख लिया करो, जो भी आपको ऑप्शन मिल रहा है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर आपको सेलेक्ट पे क्लिक करना पड़ेगा, देन उसके बाद जो टाइटल है यहाँ पे, ये बेस्ट सेलर जो कलेक्शन के नेम है ना, वॉचेस बेस्ट सेलर, तो उसका भी आप यहाँ से फॉन्ट चूज कर सकते हैं। बॉडी फॉन्ट में जाएंगे और आपको जो भी यहाँ पे फॉन्ट चाहिए, अभी हम लोग यहाँ से प्ले सेलेक्ट करते हैं और जो फॉन्ट हमने ऊपर लिया उसी को ट्राई करते हैं, प्ले बॉल लिया है ऊपर हमने, और इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे और सेव कर देंगे, ठीक है। जब भी आप चेंजेस करेंगे तो आपको सेव करना रहेगा, सेव करने के बाद ही वो चेंजेस आपके प्रॉपरली रिफ्लेक्ट होंगे। अभी देख लीजिए फॉन्ट का कलर यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद टाइटल का फॉन्ट साइज भी, आप डेस्कटॉप के लिए आपको साइज अलग चाहिए तो डेस्कटॉप के लिए आप अलग रख सकते हैं, मोबाइल के लिए आपके पास ऑप्शन है कि मोबाइल के लिए आप साइज अलग रख सकते हैं, ठीक है। पूरा मैंने यहाँ पे कस्टमाइजेशन का आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। उसके बाद सेम वही है, कलेक्शन का जो नेम है उसका अभी आप फॉन्ट साइज लाइक डेस्कटॉप पे अभी हम लोग बड़ा कर देते हैं, बहुत बड़ा कर देते हैं, ताकि आप विजिबल डिफरेंस देख सकें कि डेस्कटॉप पे अभी हमने इसका साइज क्या कर दिया है, 40 पिक्सल कर दिया है। तो ये देख लीजिए इस तरह दिख रहा है, बट अगर हम लोग मोबाइल स्क्रीन पे जाएंगे तो मोबाइल स्क्रीन पे अभी कोई चेंजेस नहीं हुआ है, मोबाइल स्क्रीन पे 18 पिक्सल ही है। और इसको हम लोग और छोटा करते हैं ताकि आप देख सके, दोनों में डिफरेंशिएट कर सके, और इसको हम लोग एक बार सेव कर लेंगे। तो आप देख लीजिए मोबाइल पे जो कलेक्शन का नेम है उसका फॉन्ट साइज कितना कम हो गया है, तो इट मींस यहाँ पे आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप मोबाइल के लिए क्या फॉन्ट साइज रखना चाहते हैं, इमेजेस का साइज आप क्या रखना चाहते हैं, कलर्स आपके पास पूरे ऑप्शन है कि आप कलर्स रखना चाहते हैं। और इसको मैंने काफी टाइम लगा के आप लोगों के लिए सेक्शन बनाया है, तो आई होप यू वुड लव यूजिंग दिस सेक्शन। और एक पेड थीम में हमने देखा था, प्रेस्टीज थीम थी आई थिंक, तो वो सेक्शन हमने रिक्रिएट किया है पूरा स्क्रैच से, ठीक है। अभी हम लोग डेस्कटॉप वर्जन पे जाएंगे तो यहाँ देख लीजिए अभी कलेक्शन नेम्स का साइज यहाँ पे वही है जो हमने पहले कर रखा था, 40 पिक्सल। आप इसको कम कर दीजिए, अभी जैसा आपको रखना है वैसा आप रख सकते हैं, ठीक है। देन कलेक्शन नेम का बैकग्राउंड, यहाँ से अभी कोई कलर हमने सेलेक्ट नहीं करा है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रेडियंट की जगह हम लोग CSS सेलेक्ट करेंगे और किसी भी कलर का हम लोग नेम डाल सकते हैं। लाइक यहाँ पे जो अभी कलर है वो इंडियन रेड है, हम लोग सी ग्रीन यहाँ पे कलर अभी नेम डालते हैं। तो आप देख लीजिए लाइव आपके साथ अपडेट हो गया है और इसको आप सेव कर देंगे। अगर आपको कलर के कोड या नेम नहीं पता है तो बहुत ईजी है, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं HTML कलर या कोड नेम्स हम लोग कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वेबसाइट आएगी htmlcolorcodes.com, यहाँ पे आपको नेम मिलेंगे और उनका हेक्स कोड मिलेगा, RGB कोड मिलेगा, सारी चीजें आप सबसे वहाँ पे कलर ऐड कर सकते हैं। तो लेट अस से किसी केस में आपको ये कलर ऐड करना, तो अभी हम लोग हेक्स कोड से करके देखते हैं। यहाँ चलेंगे और इस पे क्लिक करेंगे कलेक्शन नेम बैकग्राउंड पे, ठीक है। और यहाँ पे अभी हमें क्या ऐड करना है, ये हेक्स कोड ऐड करना है, इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, ठीक है। और इसको क्या है कि हमें स्टार्टिंग में ऐड करना रहेगा, ठीक, कुछ भी चेंज नहीं करना है, इसके आगे कोलन वगैरह नहीं लगाना आपको, जस्ट कोड ऐड करना है। तो ये देख लीजिए यहाँ पे ये अपडेट हो गया है और अभी जो आपके कलेक्शन के नेम्स का बैकग्राउंड है ना वो ये कलर होने वाला है, ठीक है। और कोई कलर आपको यहाँ से लेना है तो वो भी आप इजीली ले सकते हैं। अभी एक एग्जांपल हम लोग RGB के साथ ले लेते हैं, तो लेटेस्ट से ये हमें RGB कलर लेना है, तो यहाँ से हम लोग इसको कॉपी करते हैं, वापस यहाँ चलते हैं, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको हम लोग डिलीट करके और ये ऐड कर देते हैं, RGB वैल्यू जो हम लोग वहां से कॉपी करके लाए, और इसको हम लोग बैक स्पेस दे देते हैं, ठीक है। बैक स्पेस दे देना आप, अगर स्पेस क्रिएट होता है तो उसकी वजह से कुछ एरर थ्रो करेगा, तो आप देख लीजिएगा। और हम लोग इसको सेव करते हैं, सेव करते ही आप देखेंगे कि ये कलर आपका अपडेट हो गया है। तो आपको जैसा भी चाहिए वो आप पूरी तरह से ना इस सेक्शन को कस्टमाइज कर सकते हैं। कलर्स का नेम आपको क्या कलर में रखना है, ठीक है, आपको कलर का नेम लेटर से अभी मैं रेड कर देता हूं ताकि आप इसको देख सकें विजुअली कि हाँ ये कलर का नेम या कलेक्शन का नेम अपडेट हो रहा है, ठीक है। हम लोग इसको वापस अभी व्हाइट ही
कर देते हैं बिकॉज आई थिंक व्हाइट वॉज लुकिंग गुड। और इसके बाद अभी आप देखेंगे कलेक्शन इमेजेस की रेडियस का भी मैंने आपको ऑप्शन दिया है, बिकॉज यहाँ पे मैंने इनकी रेडियस किया है ऊपर से लेफ्ट एंड राइट से इनकी रेडियस को 200 पिक्सल कर रखा है। आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को ऐसा नहीं चाहिए तो आप इसको रिमूव कर दीजिए यहाँ से, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे आपके कलेक्शन की इमेजेस, सॉरी यहाँ से मैंने हाइट को रिमूव कर दिया, मुझे यहाँ से हाइट को तो रहने देना था। यहाँ पे ये कलेक्शन की टॉप लेफ्ट रेडियस और टॉप राइट रेडियस, इसको हमें यही रखना था। और इसकी इमेजेस को हाइट को हम लोग यहाँ से अंडू कर लेते हैं, मुझे एक्चुअल हाइट नहीं याद है कि क्या थी, 320 पिक्सल थी, ठीक है। अभी इसको हम लोग यहाँ से नीचे ले आते हैं, तो 5 पिक्सल ये मिनिमम है, 5 पिक्सल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से अभी देखेंगे इमेजेस आपकी ऐसे शो करेंगे, तो आपको चाहिए कि मुझे इमेजेस इस तरह शो करनी है तो आप ये ऐसे कर सकते हैं, या फिर आपको पूरा 200 पिक्सल रेडियस नहीं चाहिए किसी रीजन से, तो लेट अस से हम लोग यहाँ पे 50 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट को रेडियस देके देखते हैं, तो आपकी इमेजेस ऐसे दिखेंगे, ठीक है। या फिर आप एक ही साइड रेडियस ले सकते हैं, लेट अस से कि आपने लेफ्ट में रेडियस दी बट यू डोंट वांट दैट रेडियस ऑन राइट साइड, को भी हम लोग करके देखते हैं। लेट अस से अभी हमारी लेफ्ट में रेडियस ये है और राइट को हम लोग बिल्कुल ड्रॉप कर देते हैं 5 पिक्सल तक, तो अभी आपकी जो इमेजेस है ना वो कुछ इस तरह दिखेंगे, ठीक है। तो आप कुछ बहुत यूनिक यहाँ पे शेप्स भी अपने लिए बना सकते हैं। लेट अस से हम लोग इस इमेज को और ज्यादा रेडियस दे देते हैं, तो अभी लेफ्ट में इस तरह रेडियस दे दी तो अभी आपका जो इमेज है ना कुछ इस तरह से दिखेगा। सो आप अपने को जितना भी आप क्रिएटिविटी को अपना ट्राई करना चाहते हैं उतना आप यहाँ पे कर सकते हैं, एंड यू हैव ऑल द ऑप्शंस, ठीक है। अभी मैं इसको वापस 200 पिक्सल बाई 200 पिक्सल कर देता हूँ और इसको हम लोग सेव कर देते हैं। देन उसके नीचे आपको ऑप्शन है इमेज हाइट डेस्कटॉप एंड इमेज विड्थ डेस्कटॉप, हम लोग इस हाइट की और इस विड्थ की बात कर रहे हैं। तो लेट अस से मैं यहाँ पे हाइट बढ़ा देता हूँ ताकि आप इसको विजिबली देख पाए, ठीक है। तो अभी मैं इसकी हाइट कर देता हूँ 630 पिक्सल, तो अभी आप देखेंगे कि हाइट इंक्रीज हो गई है और विड्थ तो उतना ही है 230 पिक्सल, ठीक है। अगर आपको विड्थ भी इंक्रीज करना है तो आप यहाँ से विड्थ भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो अभी हमने इसकी हाइट इंक्रीज करी, इमेज की विड्थ इंक्रीज करी, अभी देख लीजिए इस तरह शो करेगा, ठीक है। और मोबाइल पे आपको अलग कंट्रोल्स मिलेंगे, ठीक है। मोबाइल पे आपको ये देख लीजिए कि मोबाइल पे आपका जो इमेज का विड्थ है, अभी हमने 200 पिक्सल बाय 130 पिक्सल करा है, ये साइज बिल्कुल ऑप्टिमम है। फिर भी अगर आपको चेंज करना है, लेट अस से आपको लगता है नहीं मेरे को ना इमेजेस का साइज थोड़ा बड़ा चाहिए, तो आप यहाँ से इसको इंक्रीज कर सकते हैं हाइट को, और थोड़ा सा विड्थ भी मेरे को ज्यादा चाहिए तो आप यहाँ से विड्थ भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो अभी डेस्कटॉप के लिए जो इमेज का हाइट और विड्थ है वो अलग रहेगा, मोबाइल के लिए अलग रहेगा, दोनों आपस में क्लैश नहीं करेंगे। तो आप अच्छे से इसको ना ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि मोबाइल पे बहुत अच्छे तरीके से दिखे और डेस्कटॉप और बड़ी स्क्रीन पे भी अच्छे से दिखे, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको वापस रिवर्ट कर देते हैं, आई थिंक 320 बाई 230 पिक्सल था और इसको हम लोग 200 बाई 130 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। जो बाय डिफॉल्ट था मैं उसी को यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये प्रॉपरली डिस्प्ले हो रहा है, बिल्कुल सही से हो रहा है। उसके बाद इमेज विड्थ मोबाइल, ठीक है, हम लोग कर चुके हैं। फिर यहाँ पे पैडिंग है टॉप और बॉटम, अभी देखेंगे हॉट सेलिंग और इसके बीच में स्पेस देखते हैं। यहाँ आप नीचे वाले सेक्शन के बीच में देख लिया, अभी मैं पैडिंग बॉटम को इंक्रीज कर देता हूँ यहाँ से और सेव करूंगा, तो आप देखेंगे कि ये जो सेक्शन है इसके नीचे बॉटम में और स्पेस आ चुका है। इसके अंदर ये पैडिंग होती है ना वो एलिमेंट के अंदर ही होती है, मार्जिन बाहर होता है। तो ये पैडिंग है, देख लीजिए आपका बैकग्राउंड कलर यहाँ पीछे आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए कि यहाँ पे पैडिंग कम या ज्यादा करनी है तो वो आप पूरी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। टॉप पे स्पेस आपको और देना है, बॉटम में देना है, कंप्लीटली आप कस्टमाइजेबल है, पूरा आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए। और ये सेक्शन आपको पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट में, और ये सेक्शन मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा कोड है, आप उसको यूज कर सकते हैं अपने स्टोर्स पे विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। और ये जो इमेज आप देख रहे हैं तो इसके लिए आपको सर्च करना रहेगा यहाँ पे डेकोरेटिव लाइन पीएनजी, ये देख लीजिए इस तरह की बहुत सारी इमेजेस आपके पास आ जाएंगी और यहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारी अलग अलग इमेजेस आपके पास आ जाएंगी, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐसी इमेजेस को, या फिर आपको कैनवा पे भी बहुत सारी इमेजेस मिल जाएंगी जिनको आप इजिली यहाँ से डाउनलोड करके और यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये टाइटल के अंडर जो इमेज है इसकी मैं बात कर रहा हूँ। आई होप ये कलेक्शंस के लिए जो स्लाइडिंग सेक्शन हमने बनाया है ये आप लोगों को पसंद आया होगा और इसको आप अपने स्टोर्स पे यूज करके अपने स्टोर को और प्रोफेशनल और गुड लुकिंग और प्रीमियम एंड ट्रस्टवर्दी बना सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं आप ये कलेक्शन ही ऐड करें, आप अपने प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज आपके पास ऑप्शन है कि आप उस इमेज को कहाँ ले जाना चाहते हैं, कलेक्शंस पे, प्रोडक्ट्स पे, पेजेस
पे, ब्लॉग, ब्लॉग पोस्ट, यहाँ पे सारी ऑप्शन है। तो मोस्टली हम लोग दो ही चीज यूज करेंगे, या तो उसको कलेक्शन पे ले जा रहे होंगे या फिर किसी प्रोडक्ट्स पे ले जा रहे होंगे। तो आप इस सेक्शन को अपने कलेक्शन के लिए और प्रोडक्ट्स के लिए, दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। और लास्ट टाइम जो मैंने स्लाइडिंग कलेक्शन बनाया था, तो आप लोगों का बहुत कमेंट आता था कि सर दूसरा कलेक्शन हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे स्लाइड नहीं हो रहा है। बट अभी आप देख लीजिए, ये मैंने दूसरा सेक्शन ऐड करा है और ये भी परफेक्टली स्लाइड हो रहा है, परफेक्टली ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इस सेक्शन को एक जगह, दो जगह, तीन जगह, जितना भी टाइम अपने स्टोर पे आप यूज करना चाहते हैं, रिपीट करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, ये परफेक्टली काम करेगा। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पे। तो दूसरा सेक्शन हमारा कौन सा है, ट्रस्ट बैजेस का। तो उसको मैं ऐड कर देता हूँ प्रोडक्ट पेज पे, ठीक है, या फिर हम लोग होम पेज पे ही कर लेते हैं। ऐड सेक्शन पे आप जाएंगे और यहाँ पे आपको सर्च करना है ट्रस्ट, तो ट्रस्ट बैज जीएम के नाम से ही आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको सारी सेटिंग्स है, देख लीजिए यहाँ पे पूरी सेटिंग्स है, इनको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बट पहले हम लोग ट्रस्ट बैज ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐड ट्रस्ट बैज करना है। आप यहाँ पे 4 ऐड कर सकते हैं, 6 ऐड कर सकते हैं, 8 ऐड कर सकते हैं, और ये पूरी तरह से रिस्पॉन्सिव रहेगा। ठीक है, अभी हम लोग 4 यहाँ पे ट्रस्ट बैजेस ऐड करेंगे। सेलेक्ट इमेज पे जाना और आपको आइकन्स लेने हैं। ठीक है, ये आइकन्स भी आप इजिली डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारा वेबसाइट है जहाँ पे आपको इजिली ये आइकन्स मिल जाएंगे। और अगर आपको चाहिए तो ये आइकन्स मैं आपको शेयर कर दूंगा, इनका भी कैनवा लिंक। अदरवाइज मैं आप सबको इनकरेज करूंगा कि आप खुद से ये आइकन सर्च करें, डाउनलोड करें, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट आपको यहाँ पे जाके और यहाँ पे सर्च करना है लाइक ट्रस्ट बैज आइकन्स। यहाँ पे देखेंगे आइकन्स 8 एक वेबसाइट आ गया है। ठीक है, इसके नीचे फ्लैट आइकन आ गया है, इसके नीचे हम लोग देखेंगे यहाँ पे convertful.com है, यहाँ पे कुछ रिसोर्सेस देख रहे हैं, बट फ्री पिक एक वेबसाइट है, आइकन स्काउट है। तो बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जाके आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, और ये आइकन्स है, यहाँ पे आप इजिली इनको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए ट्रस्ट बैजेस में आपको शो कर रहा है, अभी फ्री शिपिंग के लिए चाहिए, तो आप यहाँ से क्या सर्च करेंगे, जस्ट फ्री शिपिंग आप सर्च करिए, तो यहाँ पे आपको आइकन्स देने लग जाएगा शिपिंग से रिलेटेड। ठीक है, इसी तरह से अभी फ्री पिक पे भी जाके आपको बहुत सारे आइकन्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे एसेट्स में आप आइकन या बैज सर्च कर सकते हैं, जैसे अभी ये ट्रस्टेड है, ये एसेट्स में है, तो यहाँ से हम लोग वेक्टर्स ले सकते हैं, या आइकन्स में हम लोग चलेंगे, और आइकन्स में अभी आप शिपिंग के नेम से सर्च करिए तो आपको यहाँ पे शिपिंग से रिलेटेड शो कराएगा। सिक्योर आप सर्च करेंगे तो सिक्योर पेमेंट जैसे आइकन्स आपको यहाँ पे देने लग जाएगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देन ये आइकन स्काउट एक वेबसाइट है, यहाँ से आप ट्रस्ट बैजेस अपने लिए डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग अपने लिए आइकन्स ये निकाल लेंगे। तो अभी हम लोग ऐड कर रहे हैं, जस्ट मैं इमेजेस ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये हमने पहला आइकन ऐड कर दिया है, देन दिस इज द सेकंड वन, और हम लोग ऐसे ही थर्ड ऐड कर देते हैं यहाँ पे, थर्ड वी विल ऐड दिस प्लेन, डन, एंड फोर्थ वन में हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं कस्टमर सपोर्ट के लिए दिस, और इसको हम लोग सेव करते हैं। ये देख लीजिए ये आइकन्स आपके कुछ इस तरह शो करने वाले हैं। यहाँ पे फर्स्ट इमेज शायद अपलोड नहीं हुई है, सेलेक्ट इमेज हम लोग करते हैं और अभी देख लेंगे कौन सा इमेज रह गया है। ठीक है, यहाँ से ये इमेज सिक्योर पेमेंट्स वाला, इसको हम लोग डन करते हैं और सेव कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ऑप्शन है, आपके पास इमेज है, इमेज के नीचे उससे रिलेटेड आप हेडिंग लिख सकते हैं, लाइक यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सिक्योर पेमेंट्स, तो आपका यहाँ पे ये हेडिंग आ गया, और उसके नीचे आप जो भी डिस्क्रिप्शन देना चाहे ना वो दे सकते हैं, लाइक वी हैव ऑल द पेमेंट मेथड्स लाइक COD, UPI एंड कार्ड एटसेट्रा, जो भी आप लिखना चाहें। जस्ट ये टेक्स्ट मैंने आपको दिखाया जस्ट एग्जांपल के लिए कि आपको कैसे यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, लाइकवाइज आप यहाँ पे भी हेडिंग चेंज कर सकते हैं और ये टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, देन थर्ड फोर्थ यहाँ पे सारी चीज आप कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग ये ट्रस्ट बैज जीएम का जो सेक्शन है यहाँ पाएंगे, तो अभी आप देखेंगे आपको यहाँ पे ऑप्शंस मैंने सारे दिए हुए हैं, लाइक आइकन की विड्थ, तो ये जो आइकन है इसकी आप विड्थ कितना रखना चाहते हैं, और जैसे ही विड्थ आप कम और ज्यादा करेंगे ना तो इसका साइज कम होने वाला है। लेट अस से मैं अभी इसको इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आप इसको देख सकें। ठीक है, तो यहाँ पे आइकन का विड्थ हमने बढ़ा दिया, अभी इसको आप कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं, यहाँ से जैसा आपको चाहिए वैसा आप रख सकते हैं। ठीक है, सेम यही आइकन की विड्थ अभी मोबाइल पे 50 पिक्सल है और डेस्कटॉप पे 40 है, देख सकते हैं आप ना। तो आपको मोबाइल पे और छोटा इमेज चाहिए तो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, लेट अस से हम लोग मोबाइल पे इसको 32 पिक्सल कर देते हैं और इसको हम लोग सेव कर देते हैं। ठीक है, तो मोबाइल पे ये कुछ इस तरह आपको शो होगा। ठीक, उसके बाद हम लोग यहाँ वापस आते हैं, फिर यहाँ पे आप देखेंगे आइकन्स का मार्जिन कितना रखना चाहते हैं, यानी ये जो आइकन है ना इसके राइट हैंड साइड में कितना स्पेस आप रखना चाहते हैं। अभी 20 पिक्सल है, मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ, अभी आप देखेंगे ना इसके राइट हैंड साइड में स्पेस बढ़ गया है। ठीक है, और ये दोनों जगह अप्लाई होगा, मोबाइल पे भी
और डेस्कटॉप पे भी आप देख लीजिए, ठीक है। और अभी हम लोग इसको कम कर देते हैं, 20 पिक्सल ही कर देते हैं और इसको हम लोग सेव कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप टेक्स्ट ना बहुत ज्यादा बड़ा मत रखिएगा, जैसे अभी काफी बड़ा यहाँ पे टेक्स्ट है तो हम लोग देख रहे हैं इसके अलाइनमेंट में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, ये यहाँ पे अलाइन नहीं हो रहा है। या तो आप सभी का जो टेक्स्ट है ना इसी साइज का रखेंगे, बिकॉज यहाँ पे हमने फ्लेक्स बॉक्स यूज करा है तो उसकी वजह से इस तरह आपको शो कर रहा है। तो आप देख लीजिएगा ये जो डिस्क्राइब हेडिंग आप कर रहे हैं ना, तो इसका टेक्स्ट भी ये नहीं है कि डिक्टो वर्ड टू वर्ड सेम होना चाहिए, बट ऑन एन एवरेज उतना ही आप कर लेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। अभी हम लोग इसको सेव करते हैं, वापस चलते हैं अपने स्टोर पे और यहाँ पे ट्रस्ट बैज पे चलते हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पे हेडिंग का फॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको फॉन्ट चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, और सेम आप ये पैराग्राफ जो टेक्स्ट है इसके लिए भी कर सकते हैं, इसके लिए भी आप यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं इजिली, यहाँ पे फॉन्ट्स अपडेट हो जाएंगे। जो भी आपको फॉन्ट चाहिए यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं और वही फॉन्ट आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। जो भी फॉन्ट आपको चाहिए यहाँ से आप यूज कर सकते हैं इजिली, ठीक है। उसके बाद फॉन्ट हेडिंग साइज, ठीक है, ये जो हेडिंग है इसका फॉन्ट साइज, अभी जो पहला वाला ऑप्शन है वो डेस्कटॉप के लिए, लाइक मैं यहाँ पे इंक्रीज करूंगा तो ये डेस्कटॉप पे तो 32 पिक्सल हो गया, बट अगर हम लोग मोबाइल पे चलेंगे तो मोबाइल पे अनचेंज्ड है, और मोबाइल पे मैं इसको और कम कर देता हूँ, लेट अस से 15 ही कर देते हैं, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे डेस्कटॉप पे इसका साइज 32 पिक्सल है बट मोबाइल पे 15 पिक्सल ही है, तो इसको हम लोग अभी 20 कर देते हैं डेस्कटॉप पे भी, ताकि ये प्रॉपरली डिस्प्ले हो, या फिर इसको हम लोग 18 कर लेते हैं, ठीक है, इस तरह से शो होगा। उसके बाद फॉन्ट साइज, अभी पैराग्राफ का है तो पैराग्राफ का फॉन्ट साइज आपको कम ज्यादा करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं, और ये फॉन्ट साइज लाइक का भी, और यहाँ पे साइज इंक्रीज करने से मोबाइल पे कुछ भी इफेक्टेड नहीं हुआ होगा, मोबाइल पे आपको चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। अभी देखेंगे ना ये टेक्स्ट अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है टेक्स्ट लाइन हाइट का, आप यहाँ से लाइन हाइट इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप लाइन हाइट इंक्रीज करेंगे तो ये देख लेंगे आपका टेक्स्ट ना ये अलाइन हो रहा है, ठीक है। आपके पास सारे ऑप्शन है, बट ये फॉन्ट साइज कुछ ज्यादा ही बड़ा है इसके लिए, बिकॉज जो हमारे पास स्पेस है तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे साइज कम ही रखना है। अभी देखेंगे तो लाइन हाइट ज्यादा हो गई, तो अभी आप इस लाइन हाइट को कम कर लीजिए, हम लोग इसको अराउंड 1.5 या 2 पे सही लग रहा है तो 2 इसको रख लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इसको सेव करते हैं, ठीक। उसके बाद अभी हेडिंग का कलर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, हेडिंग का कलर चेंज हो जाएगा। पैराग्राफ का कलर आपको चेंज करना है तो पैराग्राफ का कलर भी आप यहीं से चेंज कर सकते हैं, अभी हम लोग ये कलर कर देते हैं। फिर ये जो सेक्शन है इसका बैकग्राउंड आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, अभी हम लोग नेम दे देते हैं लाइक सी ग्रीन या एलिस ब्लू, चलो हम लोग एलिस ब्लू नेम देते हैं, कलर का नेम है। यहाँ देखेंगे पीछे कलर अपडेट हो गया है, या कुछ वाइब्रेंट कलर दे देता हूँ जो आपको शो हो जाए, तो 13584C यहाँ पे, और हेक्स हमें आगे लगाना रहेगा तो ये हैस लगा देते हैं। अभी देख लीजिए पीछे कलर आ गया है, और अभी हम लोग इसका पैडिंग बढ़ा देते हैं, तो पैडिंग टॉप हम लोग कर देते हैं 50 पिक्सल और पैडिंग बॉटम भी उतना ही कर देते हैं, ताकि आप इसको देख सकें विजिबली, ठीक है। और इसको मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे पैडिंग टॉप हम लोग यहाँ से कर देते हैं 50 पिक्सल ताकि आप इसको क्लियरली देख पाए, और पैडिंग बॉटम को भी हम लोग कर देते हैं। तो ये पीछे बैकग्राउंड है, इसके आगे ट्रस्ट बैजेस है, और ट्रस्ट बैजेस की पैडिंग जो इसके अंदर की पैडिंग है ना उसको भी आप कम और ज्यादा कर सकते हैं। अभी मैंने इसको 50 पिक्सल कर दिया, मैं वापस इसको 10 पिक्सल ही कर देता हूँ, यही सही है, और यहाँ से हम इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको यही सेक्शन का बैकग्राउंड देना है तो यहाँ से आप दे सकते हैं, अभी मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। जस्ट आप इस कोड को सेलेक्ट करेंगे, डिलीट कर देंगे और बाहर कहीं भी क्लिक करेंगे सेक्शन चला जाएगा, तो सेक्शन का कलर वो चला जाएगा। उसके बाद ट्रस्ट बैजेस पे अगर आप कोई कलर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अभी हम लोग एक कलर कोड यहाँ पे देते हैं, आप देख लेंगे ये इस तरह से शो करेगा, ठीक है। अभी हम इनका कलर भी चेंज कर देते हैं, हम इनको पहले से ब्लैक ही कर देते हैं जैसे पहले थे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह शो करेगा, आप देख लीजिए बॉर्डर की रेडियस है, आप इसको रेडियस कम या ज्यादा कर सकते हैं, ये मिनिमम 1% रहेगा और मैक्सिमम आप इसको 100% तक कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसको आप 1% पे या 2% पे ही रहने दीजिएगा, इससे ज्यादा आपको सही नहीं लगेगा, ठीक है, 2-3% मैक्सिमम है। उसके बाद यहाँ पे पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, ये सारे ऑप्शन आपने देख लिए। अभी मैं सेक्शन का बैकग्राउंड भी यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्लीन ही रखना है, और इसको हम लोग सेव करते हैं। तो ये मोबाइल पे कुछ इस तरह दिखेगा, यहाँ आप देखेंगे, यहाँ से आप क्या करेंगे अभी हेडिंग्स का साइज वगैरह प्रॉपरली कर लेंगे, तो फॉन्ट साइज हेडिंग का यहाँ पे 14 हम लोग कर देते हैं मोबाइल पे, और फॉन्ट साइज पैराग्राफ का हम लोग यहाँ पे मोबाइल पे 12 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। तो अभी ये इस तरह शो होगा, और यहाँ पे आप ये जो हेडिंग का फॉन्ट है ना इसको भी आप चेंज कर दीजिए, बिकॉज ये फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा, तो उसकी जगह हम लोग कोई दूसरा फॉन्ट यहाँ से पिक कर सकते हैं, ठीक है।
कोई भी फॉन्ट यहाँ पे आप देख लेंगे, जो बढ़िया फॉन्ट हमें लग रहा है वो यहाँ से हम लोग पिक कर सकते हैं। और उसके बाद हमें यहाँ नीचे ऑप्शंस आते हैं, ठीक है, रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक, तो अभी इसमें रेगुलर और इटैलिक का है। और जगह हमें ऑप्शन मिलेगा बोल्ड का भी, देखिए बोल्ड का ऑप्शन है, तो आपने यहाँ से इसको बोल्ड कर दिया। तो यहाँ पे आप कोई भी, जो भी आपको बढ़िया से लग रहा है, जो भी आपको बढ़िया हेडिंग के लिए टेक्स्ट लग रहा है, वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको हम लोग सेव कर देते हैं। तो अब ये देख लीजिए, ये आपका ट्रस्ट बैजेस का सेक्शन ऐसा दिखेगा। और अगर आपके ट्रस्ट बैजेस मोर देन 4 हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, आपको 6 ऐड करने हैं या फिर 8 ऐड करने हैं। अभी जैसे मैं इन्हीं को कॉपी कर लेता हूं दो बार, तो अभी 6 कर लेते हैं हम लोग। इसको डुप्लीकेट करते हैं और एक बार और डुप्लीकेट करते हैं और इसको हम लोग सेव करते हैं। तो अभी आपने देखा 6 होते ही ना ये 3-3 के कॉलम्स में बट गया, दो रोज में आ गया और हर रो में 3 कॉलम्स है, ठीक है। लेकिन अगर 5 है तो ये प्रॉपरली अलाइंड नहीं है, ये 4 और 1 आ रहा है। बट अगर हम इसको 6 कर देते हैं, तो आपको क्या करना है, या तो 4 ऐड करने हैं या फिर आपको 6 ऐड करने हैं। अभी 6 ऐड करेंगे तो प्रॉपरली इस तरह शो करेगा। और अगर किसी रीजन से आपको 8 चाहिए, तो आपको 7 नहीं करना है, 7 करेगा तो सही से नहीं शो होंगे, तो हमें 8 करने हैं। तो अभी आप देखेंगे 4-4 के कॉलम्स में दो रो बन जाएगी और ये पूरा सेक्शन ना आपका रिस्पॉन्सिव रहेगा। हम लोग यहाँ चलते हैं अपने स्टोर पे और इसको हम लोग इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी देखेंगे ये ट्रस्ट बैजेस वाला सेक्शन कुछ इस तरह दिख रहा है। इसको हम लोग इंस्पेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम लोग सर्च कर लेंगे रिस्पॉन्सिव, ठीक है। अभी जो भी स्क्रीन का साइज रहेगा ना, उसके अकॉर्डिंग ये रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग चलते हैं, ये देख लीजिए यहाँ पे दो कॉलम में दिखा रहा है, और जो छोटा स्क्रीन साइज रहेगा तो ये फिर सिंगल कॉलम में आ जाएगा। तो इस तरह से पूरी तरह रिस्पॉन्सिव रहेगा ये ट्रस्ट बैजेस का सेक्शन, और आप इसको अपने स्टोर पे इजिली ऐड कर सकते हैं। बट फिर भी मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप 4 ही रखिए, कि 4 से ज्यादा ठीक नहीं लगेगा, बट फिर भी आपका चॉइस, आपको जितना रखना है। लेकिन मेरा सजेशन है कि यहाँ पे आप 4 ट्रस्ट बैजेस रखिए, तो आप 4 आइकन्स रख सकते हैं, हेडिंग आप दे सकते हैं और उसके नीचे आप डिस्क्रिप्शन के लिए टेक्स्ट दे सकते हैं। और ये जो हेडिंग और टेक्स्ट में स्पेस है, इसको भी आप यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा मार्जिन बॉटम हेडिंग, तो ये हेडिंग के नीचे जो मार्जिन है इसको मैं 0 कर देता हूँ, तो आप देख लीजिए ये बिल्कुल एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका हेडिंग है और इसके साथ आपका ये टेक्स्ट आ गया जो डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, और मोबाइल पे कुछ इस तरह दिखेगा। तो आप इन दोनों सेक्शंस को अपने स्टोर पे ऐड कर सकते हैं टू मेक योर स्टोर मोर गुड लुकिंग एंड ट्रस्टवर्दी। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।